हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग्स। और हम लोग हैं एडमंटन में। आज मेरा लास्ट डे है एडमंटन में, एक्चुअली सेकंड लास्ट डे है। तो आज हम लोग जा रहे हैं एडमंटन मॉल, वेस्ट एडमंटन मॉल जा रहे हैं। यहाँ पे वेस्ट एडमंटन मॉल है उसका नाम। तो अभी बस हमारी ऊबर आ रही है, तो निकलते हैं वेस्ट एडमंटन मॉल की तरफ। और यहाँ से मैं आपको व्यू देती हूँ जहाँ पे मैं एयरबीएनबी में रुकी हूँ। ये वो वाली स्ट्रीट है, पीछे कितना ब्यूटीफुली डेकोर किया गया इस स्ट्रीट को, ग्रास सब जगह वेल प्लांटेड। और ये पीछे मेरा एयरबीएनबी है, टू बेडरूम हाउस एक्चुअली। अभी मेरी ऊबर आ गई है, चलो उसमें बैठते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच गए हैं वैम वेस्ट एडमंटन मॉल, और ये है इसकी एंट्रेंस। सो गाइज, मैंने एडमंटन मॉल का, वेस्ट एडमंटन मॉल का पहले भी एक ब्लॉग बनाया है, अगर आप चाहें तो पूरा वो ब्लॉग देख सकते हैं। उसमें पूरा वेस्ट एडमंटन मॉल मैंने कवर किया था। तो आज हमारा था लास्ट डे इन एडमंटन, तो हमने सोचा थोड़ी सी जाते टाइम शॉपिंग कर लें। तो यहाँ पे सुहानी को टी शर्ट पसंद आई, मैंने भी बहुत सारे कपड़े देखे, बहुत ही डीप नेक थे, आगे से या पीछे से कपड़े तो बहुत सुंदर थे ड्रेसेस, बट नॉट सुटेबल फॉर मी, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बाय किया, मैंने वैंकूवर से बाय की हुई थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। सुहानी ने भी थोड़ा देखा, उसने शॉपिंग की, फिर आकाश ने भी थोड़ी पैंट्स बाय की यहाँ पे। सो इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, अच्छा था यहाँ पे प्राइस वगैरह भी। बस ये है कि लाइन में लग जाओ और फिर क्यू में अपनी पेमेंट कर दो। तो आकाश ने भी थोड़ा बहुत खरीदा और सुहानी ने भी बाय किया, मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थोड़ा सा घूमने के लिए, टाइम स्पेंड कर रहे थे आज वेस्ट एडमंटन मॉल में। बहुत ही मतलब ना अजीब सा मन हो रहा था कि हम लोग बस निकलने वाले थे कल कैलगरी के लिए, वहाँ से हमारी फ्लाइट थी कैलगरी से। तो यहाँ देखिए आइस स्केटिंग चली हुई थी, पहले मैं कितनी बार आई हूँ तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं आइस हॉकी या कुछ खेलते हुए यहाँ पे। आज भी थोड़ा खाली लग रहा है अभी तो, बट है लोग यहाँ पे। सो गाइज, अभी लास्ट दिन है तो मन बहुत छोटा छोटा हो रहा है, और कुछ नहीं है, कोई इतनी अटैचमेंट कनाडा से नहीं है, पर अटैचमेंट होती है बच्चों से। जहाँ पे फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो ना, वो टाइम बहुत प्रीशियस होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी बेटे को छोड़ के जाना पड़ेगा। सो यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ट में बहुत फील हो रहा था। और यहाँ पे देखिए सुहानी को ये कार्गो पैंट पसंद आई, बच्चे हमारे इंडियंस के पता नहीं इनके जीन्स में ही होता है, देख रही है कितने परसेंट डिस्काउंट है, कितने की है तभी लूँगी। मैंने बोला ले ले, तुझे पसंद है तो। नहीं, बच्चे भी देखो प्राइस देख के फिर बाय करते हैं कोई भी चीज़। सो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो लर्निंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी, दैट इज़ वेरी गुड। उनको भी पता लग रहा है कि सब कुछ कितना एक्सपेंसिव होता है और कितना हमें कैसे बाय करना चाहिए। सो इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। और यहाँ पे हम लोग आगे आइस स्केटिंग देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सो गाइज, अभी बस मन में बहुत मीन्स अभी घूम तो रहे हैं टाइम पास करने के लिए कि चलो आज लास्ट डे है, फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे आइस हॉकी भी चल रही थी, बट मन में सबको ही लग रहा था थोड़ा कि कल लास्ट डे है, अभी हमें निकलना है यहाँ से। आकाश भी एडमंटन में नहीं रहने वाला है, अभी उसकी टोरंटो में इंटर्नशिप थी, वहीं पे उसकी जॉब ऑफर भी मिल गई है, तो बस वो भी सितंबर से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको भी यहाँ से निकलना है। ही इज़ आल्सो फीलिंग कि उसको अपनी फ्रेंड्स को छोड़ के जाना पड़ेगा, हम लोगों को भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। सो ही इज़ आल्सो फीलिंग वेरी लो एंड आई एम आल्सो फीलिंग वेरी लो, बट स्टिल हम लोग थोड़ा जितना हो सके टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं ताकि हम लोग थोड़ा मेमोरीज बना सकें। सो यू कैन बाय एवरी थिंग इन योर लाइफ, बट यू कॉन्ट बाय द टाइम विच यू आर स्पेंडिंग विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। सो गाइज, उस प्रीशियस मोमेंट को मैंने कैप्चर करके रखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। Thank you.
चले सू। देख कितनी सारी कैप्स है यहाँ पे, देखो सारी वी वैसी होती है। आप लोगों को पता है क्या, फर्स्ट टाइम देखा ना, सो गाइज वेस्ट एडमंटन मॉल पूरे कनाडा का सबसे बड़ा मॉल है और है ये एडमंटन में। सो यहीं पे हम लोग थोड़ा टाइम पास करने के लिए आते थे और शॉपिंग करने के लिए भी, जब भी हम एडमंटन में जितने दिन भी हमने स्पेंड किए। और यहाँ पे फिर हम लोगों को लगी थी भूख, तो हम लोग पहुँच गए फूड कोर्ट की तरफ। तो फूड कोर्ट में बस हम लोगों का मेन प्रॉब्लम था कि हम वेजिटेरियन है, तो बस एक ही या दो ही शॉप मिलती थी जिसमें हमें वेजिटेरियन खाना मिलता था। और हम लोगों को यू नो ब्रेड बंस या ऐसी चीज़ों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो हम लोग बस इंडियन ही खाना ढूंढते रहते थे हर जगह पे। सो ये भी एक अजीब ही बात है, बच्चे खा लेते हैं सब कुछ, बट अभी जब हम बूढ़े हो रहे थे तब हमें पता लगता कि हम कितने फसी होते जा रहे हैं, कि हम लोगों से कुछ भी मतलब एज अ कंप्लीट मील खाया नहीं जाता। बाइटिंग के लिए हमें दे दो ब्रेड पाओ ये वो शो, बट नॉट फॉर कि जब बहुत जोर से भूख लगी है तो अपना इंडियन खाना ही याद आता है। तो फूड कोर्ट यहाँ पे बहुत ही सुंदर था, इन दोनों भाई बहन ने अपना ऑर्डर किया और हम लोगों ने वेज। $26 कितने का ही पड़ता है यहाँ पे खाना। चलो करो शुरू। सो गाइज यहाँ पे स्टैचू बना हुआ था जो कि देखिए खा रहा है बर्गर, मैं भी इसके साथ ही बैठ गई, मुझे भी इसके साथ ही जगह मिल गई बैठने के लिए। फूड कोर्ट अदरवाइज पूरा फुल रहता था, यू नो यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत कम जगह मिलती है। तो सबसे ज्यादा क्राउडेड प्लेस पूरे एडमंटन में यही है वेस्ट एडमंटन मॉल, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बड़ा है, पूरे कनाडा में सबसे बड़ा है यार। तो ऑब्वियसली लोग दूर दूर से यहीं पे शॉपिंग करने आते होंगे मुझे लगता है, या देखने के लिए भी एक अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे बाहर तो स्नोफॉल होती होगी, तो लोग यहीं पे पूरे एंटरटेनमेंट जो है वो करते होंगे, एक तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, फूड कोर्ट्स भी हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर। इवन आई डोंट नो मच, स्केटिंग है, स्विमिंग पूल है, थिएटर है एंड सो मैनी थिंग्स। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे बहुत मतलब टाइम स्पेंड किया, ये दूसरी या तीसरी बार मेरा चक्कर हो गया वेस्ट एडमंटन मॉल में। क्योंकि सो गाइज अभी मैं हूँ एडमंटन में, यहाँ पे पार्क है, पार्क में से आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ से पूरा व्यू बनता है पीछे एडमंटन डाउनटाउन का। तो आकाश के घर के पास ही है ये डाउनटाउन का व्यू और पार्क भी। तो चलिए चलते हैं नीचे पार्क की तरफ, और वो देखिए वो लोग तो नीचे पहुँच गए, बारिश लगी हुई है जोरों से और आ रही हूँ। तो शर्मा फैमिली इन कनाडा आज का ब्लॉग है। सो गाइज एडमंटन ही था जहां पे थोड़ी बहुत बारिश भी हुई और हमें ठंडी भी देखने के लिए मिली, और यहाँ पे आज काफी ठंड थी। देखिए बारिश भी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग चली हुई थी, पर फिर भी हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी वॉक करके आते हैं बाहर। तो बच्चों के साथ आकाश के घर के पास ही एक पार्क है, वहां पे हम लोग बस वॉक करने के लिए आ गए। और देखिए क्या मतलब यहाँ पे वुशी वुशी था सब, कहीं कुछ भी मतलब मुझे पार्क में इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा था। सो बट एक जगह होती है ना जहाँ पे लोग आते हैं कि चलिए पार्क में, तो एटलीस्ट वो उसके घर के नियर बाय में एक छोटा सा पार्क था जहाँ पे ये लोग आया करते हैं बच्चे। तो उसने बोला कि चलो मैं आप लोगों को पार्क दिखा के लाता हूँ। सो हम लोग देखिए बारिश में ही पहुंच गए यहाँ पे देखने के लिए। जाओ मेरे को भी ले लो, भाग रही है शर्मा फैमिली आगे आगे। ओह तो गाड़ियां पार्क करके सब पार्क में घूम रहे। अच्छा ये पार्क में पार्किंग है। पार्क तो क्या है, यहाँ पे बहुत घुसी घुसी है, सारी जगह पे खूब ग्रास है, कोई लॉन मोइंग नहीं है, कुछ नहीं है अदरवाइज
पाइन्स का ब्यूटीफुल व्यू है। सो गाइज ये पार्क है वाइट एवेन्यू में और सामने है डाउनटाउन एडमंटन सिटी का कनाडा में। वाओ ब्यूटीफुल, बीच में कितनी अच्छी रिवर जा रही है। कहाँ? वो नहीं दिख रही रिवर। चलिए आप लोगों को थोड़ा और पास से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो बाइसिकल, आई डोंट नो व्हाट यू से, सब जगह पे है, कहीं पे भी आपको वॉक करने की जरूरत नहीं है, पार्क में भी अवेलेबल है। सो गाइज कैनेडा डे था तो कैनेडा डे के दिन देखिए क्या फायरवर्क्स थे। हम लोग भाग भाग के उसी पार्क में आए रात को और वहां से हमने ये पूरा व्यू देखा। तो आप ये मत सोचिए कि इंडिया में ही फायरवर्क होते हैं दिवाली के दौरान ही, पूरे वर्ल्ड में फायरवर्क चलते ही रहते हैं। पोल्यूशन सिर्फ इंडिया ही नहीं करता दिवाली के टाइम में, पूरा वर्ल्ड कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने ये फायरवर्क के थ्रू होता रहा है ना पोल्यूशन ही। बट स्टिल इट्स अमेजिंग, क्या करना, यही लाइफ है। हमें पता है क्या ड्रॉबैक्स हैं, फिर भी हम लोग उसी चीज़ में जो जिस चीज़ में एंजॉय मिलता है ना वो जरूर कर ही लेते हैं। सो ये सिर्फ इंडियंस नहीं है, कैनेडियन भी हैं। सो गाइस कीप वॉचिंग माई ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे सारे ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू, टिल देन बाय बाय।